हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज अमन हियर बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज आ चुके हैं अपनी सीरीज की वीडियो नंबर 20 पर, जहां पे हम लोग अपने नए चैप्टर को सॉल्व करने वाले हैं। एडमिशन हमने खत्म कर लिया था, अब आ गया है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर पे। एडमिशन कर चुके हैं, अब पार्टनर को रिटायर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए कैसे रिटायर करते हैं। रिटायर करने में क्या होता है, हमारा एक पार्टनर चला जाएगा। एक पार्टनर चला जाता है तो हमारा कुछ रेशियो बचता है, उन रेशियोज को फाइंड करने वाले कि एक पार्टनर जाने के बाद अब हमारा प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा जाएगा, न्यू रेशियो क्या होगा, है ना। उस न्यू रेशियो को निकालने के लिए हम लोग देखने वाले हैं। और गेनिंग रेशियो कैसे होता है, क्या होता है, जब पार्टनर ऐड होता था तो सेक्रीफाइस करते थे। सही बात है, सीधी सी बात है कि हमारे घर पे कोई आया तो हम लोग जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उनको सेक्रीफाइस करने लगे। मतलब जैसे अपना रूम शेयर करना पड़ता है, रूम सेक्रीफाइस कर दिया, सबसे बड़ी दिक्कत। ठीक है, और जब हमको कोई रिटायर हो रहा है, हमारी फर्म से कोई निकल रहा है, तो हमारा उसका जो शेयर वो ले रहा था उसका सब मुझे मिलेगा। सीधी सी बात, सपोज कर लेते हैं हमारे पास यही दोस्तों वाला ले लेते हैं, दोस्त थे, कोई नया दोस्त आ गया तो हमारा टिफिन शेयर हो जाएगा, सेक्रीफाइस हो गया हमारा। अगर किसी दोस्त को खाना खाने का मन नहीं है, वो अपना टिफिन हमको देके जा रहा है, तो हम तो गेन करेंगे ना, तो गेनिंग रेशियो निकाला जाएगा। तो किसी के पार्टनर के रिटायर होने पे गेनिंग रेशियो निकलता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं तो न्यू रेशियो कैसे निकाले जाते हैं। उसके दो केस बना दिए। पहला केस, व्हेन न्यू इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन अबाउट द न्यू पीएसआर और हाउ अ रिमेनिंग पार्टनर इज एक्वायरिंग द शेयर ऑफ रिटायर्ड पार्टनर। बहुत सिंपल सी इंग्लिश लिखी है, देखिए समझने की कोशिश करिए। बता रहे क्वेश्चन में हमको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि न्यू पीएसआर क्या होने वाला है। क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि न्यू पीएसआर क्या होने वाला है, या फिर हाउ आर रिमेनिंग पार्टनर, बचे कुचे पार्टनर जो हैं, किसी दो पार्टनर एक पार्टनर के रिटायर होने के बाद जो हमारे बचे कुचे पार्टनर्स हैं, वो उस रिटायर्ड पार्टनर का शेयर, यानी कि जो रिटायर्ड पार्टनर है इसका शेयर किस रेशियो में एक्वायर कर रहे हैं, यानी ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, कुछ भी एक्वायर करने का मतलब ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, यही मतलब। ठीक है, तो किस रेशियो में ले कर रहे हैं, इसका नहीं दे रखा है, ये नहीं बताया क्वेश्चन, तब क्या करेंगे। तो ये सबसे ईजी वाला केस होता है। जैसे कि हमको तीन पार्टनर दे दिए ए बी सी, उनका कुछ भी रेशियो बता दिया, जैसे कि रेशियो बता दिया 3:2:1, सी रिटायर हो गया तो कुछ नहीं करना, सी को यहाँ से हटा दो, रेशियो बचा 3:2 ए और बी का, ए और बी का रेशियो बचा 3:2। और इसमें और एक अच्छी बात, इसमें गेनिंग रेशियो भी नहीं निकालना, गेनिंग रेशियो भी यही है 3:2, न्यू रेशियो भी यही, गेनिंग रेशियो भी यही। एक बार और देख लेते हैं, सी फिर से 1 के लिए ही है, इस बार बी को हटा देते हैं, तो बी को हटा दिया, बी रिटायर हो गया। अब न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो ए और सी क्या है, 3:1, ए और सी का न्यू रेशियो क्या है, 3:1 है अब ए और सी का न्यू रेशियो। ठीक है, और गेनिंग रेशियो भी क्या है, गेनिंग रेशियो भी 3:1 है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। देखिए एक बार और देख लीजिए, बी सी पार्टनर 2:1, इस बार ए को हटा दो, फिर हमारे जो पार्टनर बचे उनका रेशियो 2:1, गेनिंग रेशियो 2:1, बस। ठीक है, इतना सिंपल वाला केस था, ये वाला केस हो गया। अब अगला केस देखते हैं क्या है हमारा, व्हेन इट इज गिवन इन द क्वेश्चन हाउ आर रिमेनिंग पार्टनर विल एक्वायर द शेयर ऑफ रिटायर्ड पार्टनर। क्वेश्चन में बता दिया है कि जो हमारे रिमेनिंग पार्टनर बचे कुचे हैं वो किस रेशियो में रिटायर्ड पार्टनर का शेयर लेकर के जा रहे हैं, मतलब कि जो बचे कुचे पार्टनर वो किस रेशियो में हमारा शेयर रिटायर होने वाले पार्टनर का ले रहे हैं। ठीक है, तब क्या करते हैं, तो कुछ नहीं करना है, ये भी बहुत ईजी सा केस है। सेम केस ले लेते हैं, देखिए ए बी सी को पार्टनर बनाते हैं 3:2:1 की। ठीक है, इसमें हटा देते हैं बी को, कहते हैं कि हमारा बी हो गया रिटायर। ठीक है, इसका शेयर ए और सी दोनों लेके जा रहे थे 1:1, यानी कि इक्वली दिख रहा होगा नीचे, नहीं दिख रहा तो उधर लिख देते, चलिए। हाँ, तो बी रिटायर हुआ और इसका बी का शेयर जो भी है वो ये लोग 1:1 में दिए जा रहे हैं। क्या करेंगे, तो बी का शेयर है कितना, 2/6, बी का शेयर कितना है 2/6 है। अब इस 2/6 को ये लोग लेके जा रहे हैं इक्वल रेशियो में, तो 2/6 का इक्वल होता कितना है, पहले तो वो निकालते हैं, 1 × 1/2, कितना कितना आएगा, 2 × 1 = 2, 6 × 2 = 12, अगेन इतना लेके जाएंगे ए, सी कितना लेके जाएंगे 2/6 का 2/6 का आधा, यानी कि 1/2। ठीक है, ये भी उतने ही लेके जाएंगे 2/12। ठीक है, इसको काट पीट देते हैं, छोटा हो जाएगा 1/6 एंड अगेन 1/6। ये किसमें करना है, प्लस कर दो इनके पुराने रेशियो में, ओल्ड रेशियो में इनको प्लस कर देना, जो ये छोड़ के जा रहे हैं भाई इनको मिल जाएगा, तो ये प्लस कर दो, तो न्यू रेशियो क्या बनेगा, न्यू रेशियो बनेगा हमारा किसका, किसका, ए का और सी का। ए का पुराना रेशियो कितना है,
3/6 और सी का पुराना रेशियो 1/6, उसमें हमको प्लस करना है जो जो मिल रहा है, 1/6 मिल रहा है और 1/6 मिल रहा है। तो हमारा एलसीएम लिया 3+1=4/6 और आपका एलसीएम लिया 6 1+1=2/6। तो न्यू रेशियो बना 4:2 या फिर कह सकते हैं 2:1 है जी। सिंपल था, बहुत इजीली हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, इसी के लिए आपके बुक के एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बुक के दो क्वेश्चन देखते हैं, एक पहले केस के लिए एक दूसरे केस के लिए। ठीक है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। जब तक मैं इसको हटा देता हूँ, तो देखिए पहले केस के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट आप लोगों की स्क्रीन में दिख रहा होगा। इसमें हमको तीन पार्टनर दे दिए, ए बी सी डी ई एफ जी है। ठीक है, कितना रेशियो है, 5:3:1:2। रिटायर कौन हो रहा है, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ बी एंड सी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। बी और सी रिटायर हो रहे हैं, तो बी और सी को रिटायर कर दो, बी गया सी गया, न्यू रेशियो क्या बचा, न्यू रेशियो है ए और डी का 5:2। बस यहां पर जो थे दो पार्टनर कौन कौन थे, बी था और सी था, उनका रेशियो कितना था, 3:1 था इनका रेशियो, ये हमारे रिटायर हो गए, ये दोनों रिटायर हो गए, तो रेशियो बचा 5:2। बस पहले केस खत्म। ठीक, ये पहले केस के लिए। ये देखिए अगला क्वेश्चन केस नंबर 2 के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों की स्क्रीन में दिख रहा होगा। एबीसी दो पार्टनर, एबीसी तीन पार्टनर है हमारे, 4:3:2 रेशियो। तो ए बी और सी हमारे तीन पार्टनर है, रेशियो 4:3:2। बी रिटायर हो रहा है ना, बी रिटायर हुआ, उसका रेशियो ए और उसका शेयर ए और सी लेकर जा रहे हैं 3:2 में। ठीक है, तो हमारे बी को रिटायर करते हैं, बी का शेयर कितना है, 3/9 है, इसको ये लोग 3:2 में बांटे ले रहे हैं आपस में। ठीक है, बस पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा जो बी का शेयर है 3/9 उसका 3/5, उसका 3/5 मिलेगा। निकालते कितना होता है, 3 3 9 9 5 45। बी को, बी तो रिटायर हो गया, सी को मिलेगा ना, तो सी को कितना मिलेगा, सी का शेयर, बी का शेयर जो है 3/9 उसका 2/5 मिलेगा, जो कि है 3 2 6 और 9 5 45, है ना। अब आ जाएगा हमारा न्यू रेशियो। देखिए ए का जो शेयर है 4/9 उसमें हम लोग प्लस कर दें जो इनको मिल रहा है, 9/45 मिल रहा है, है ना, वो इसमें प्लस कर लो, तो एलसीएम आएगा 45 और ये आया था 5/5 20+9, तो ये हमारा आया 29.29/45। ठीक है, ऐसे सी का निकालते हैं, सी का कितना शेयर है, सी का शेयर है 2/9 प्लस करेंगे जो इनको मिल रहा है 6/45, है ना, एलसीएम दोबारा से लेंगे 45 आएगा और प्लस 6 9 5 10 5 2 10 और ये आ गया हमारा 16/45। तो हमारा रेशियो क्या बन गया है, रेशियो बन गया हमारा 29:16। दिख रहा है, यहाँ पे शाइन पड़ रही होगी, इधर हटा देते हैं, इधर लिखते हैं 29:16। ठीक है, ये हमारा आगे आंसर, समझ में आया, बहुत इजी था। ठीक है, अब इसी के साथ गेनिंग रेशियो भी देखते हैं, इसको हटा देते हैं, फिर गेनिंग रेशियो देखते हैं क्या होता है। तो देखिए अब आ चुके हैं अपने गेनिंग रेशियो पे, क्या फॉर्मूला होता है गेनिंग रेशियो का, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। हमारे सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम जानते हैं, ओल्ड माइनस न्यू होता था, ये गेनिंग है, न्यू माइनस ओल्ड होता है, फॉर्मूला नहीं मजाक सा है। ठीक है, देखिए जो वैल्यू बड़ी होती है उसी को ऊपर रखते हैं, हम लोगों ने बचपन में सीखा था जो बड़ी वैल्यू होती है उसी से छोटी वाली वैल्यू को माइनस किया जाता है। तो जब हमारा पार्टनर रिटायर होता है तो न्यू रेशियो बड़ा हो जाता है, ओल्ड रेशियो उससे कम होता है। कैसे होता है, सपोज करते हैं कि हमारे पास चार टॉफियाँ थी, मेरे पास चार टॉफियाँ थी और हम दो दोस्त थे, तीन दोस्त थे हम लोग और हमारे पास चार टॉफियाँ थी, एक हमारा जो दोस्त था वो टॉफी नहीं खा रहा, उसने कहा कि अपनी मेरी टॉफियाँ तुम लोग ले लो, तो उसकी टॉफी मुझे मिलेगी, मैं कहता हूँ कुछ भी मिली, एक टॉफी मिली, मेरे पास चार थी एक मिली, अब मेरे पास कितनी है, पाँच, अब मेरे पास पाँच है, पहले कितनी थी, चार, तो हमको जो नई मिली है वो ज़्यादा है ना, तो न्यू वाली ज़्यादा है, ओल्ड वाली चार थी, तो न्यू में से ही तो माइनस होगा। पर हमारे उसमें जब हमारा पार्टनर का एडमिशन हुआ करता था तब क्या होता था, हमारे पास चार थी, एक और आ गया था, एक नया दोस्त आ गया था, उसको हम कुछ दे रहे थे तो हमारे पास जो था उससे भी कम हो गया, तो ओल्ड वाला बड़ा हुआ करता था, न्यू वाला छोटा होता था, ओल्ड रेशियो बड़ा होता था और न्यू रेशियो कम होता था, तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, और जब हमारा पार्टनर रिटायर होगा तो हमको कुछ दे के जाएगा,
तो न्यू माइनस सोल्ड करेंगे तो हमारा न्यू वाला रेशियो बड़ा हो गया, तो न्यू माइनस सोल्ड करते हैं। ठीक है, तो कोई ज्यादा फॉर्मुला वॉमला नहीं, बस ऐसे मजाक से आए। ठीक है, इसके लिए क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोगों की बुक का आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का ये पार्ट, आशीष नमीश और अमन तीन पार्टनर हैं। आशीष नमीश एंड अमन, मेरा नाम आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, उनका ओल्ड रेशियो दे रखा है 2.5 2.5 और 1.5, डिनोमिनेटर सेम है, कैसे लिख लेते हैं 2:2:1 2:2:1, ये कौन सा रेशियो है, ओल्ड रेशियो। उसके बाद नमीश रिटायर हो गया तो न्यू रेशियो दे दिया हमको, ये वैसा रिटायर हो गया। ठीक, तो न्यू रेशियो हमको दे दिया 3/4 1/4, फिर से डिनोमिनेटर सेम है तो 3:1 ये हमारा आ गया न्यू रेशियो। हमको क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो निकालना है। चलिए निकालते हैं, पहले निकालते हैं आशीष का। तो आशीष का निकालने के लिए गेनिंग रेशियो, पहले उसका न्यू रेशियो लिखेंगे जो कि है 3/4 माइनस उसका ओल्ड रेशियो जो कि है 2/5। डिनोमिनेटर लिया, एलसीएम दिया तो आ गया 20, 4 5 20, 5 3 15, 5 4 20, 5 4 24 2 8 माइनस किया तो आ गया हमारा 7/20। ठीक है, अब निकालते हैं अमन का। अमन का न्यू रेशियो 1/4, ओल्ड रेशियो 1/5, एलसीएम लिया 20 आया, 4 5 और 5 4 माइनस किया तो ये आया हमारा 1/20। क्या आ गया हमारा गेनिंग रेशियो 7:1। ईजी था क्या, हम लोग सही हैं? हाँ जी बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो बहुत ईजी सा केस होता है गेनिंग रेशियो निकालना, बहुत ईजी चीज़ है। ठीक है, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा या फिर इंस्टाग्राम आईडी। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय।